हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSV मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि सफलता को पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कि सफलता को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे जितने भी पहले लेक्चर हमने डिफरेंशिएशन पे किए हैं, ठीक है ना, उसमें हमने एक्सरसाइज कहाँ तक कर लिया, 7.7 तक कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 7.8 करेंगे, और जो एक्सरसाइज 7.8 है उसमें रियल में है क्या, पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस भी है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का भी मज़ा लेंगे और क्लास का भी मज़ा लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि अगर मान लिया एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना हो, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है, कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना हो तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपने जो पहला फंक्शन है उसको आपने वाई मानना है, जो दूसरा फंक्शन है उसको आपने जेड मानना है। y जिसको माना वहाँ से dy/dx निकालिए, जहाँ से z माना वहाँ से dz/dx निकालिए, और फाइनली निकलेगा क्या, dy/dz किसके इक्वल होगा, dy/dx/dz/dx, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर भी दी है कि क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि if f(x) and f(x) are two function of x, then to find the derivative of fx with respect to phi x, ठीक है। तो क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है मैंने बताया था उसको आपने y मान लेना है, सेकेंड फंक्शन को आपने z मान लेना है। आप फाइनली निकालोगे क्या, dy/dz किसके इक्वल होगा, dy/dx/dz/dx इज रिक्वायर्ड डेरीवेटिव, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने पहले से यहाँ डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ पहले भी कि आज थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी ना हो क्योंकि बारिश हो रही है भाई, बट क्या करें, हमें तो जब भी मौका मिलता बस वीडियो बना देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मुझे पहचानने की कोशिश मत करना, कि मेरे चेहरे से मेरा अंदाज़ा मत लगाना, मुझे तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। तो क्या है कि x स्केयर की डिफरेंशिएशन करना है हमने, किसका, x स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू किसके भाई, x क्यूब के, ठीक है। क्या है हमारे पास, x स्केयर का डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट फंक्शन x स्केयर, और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, ओके। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन fx इसको तो क्या मान लेना है, y, सेकेंड फंक्शन φx x क्यूब इसको क्या मान लेना है, z, ठीक है। तो लेट करो, लेट किया और y इज इक्वल टू क्या मान लिया, x स्केयर, ठीक है। एंड क्या मान लिया हमने, z इज इक्वल टू क्या मान लिया, x क्यूब मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज क्या होगा, dy/dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर इज क्या होगा, 2x, ओके। डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, dz/dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x2, यही होगा ना। फाइनली निकालना क्या है, dy/dz, क्या निकालना है, dy/dz, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है dy/dx अपॉन में कितना, dz/dx, यही है ना, ओके। देन dy/dx कितना है, वो है हमारे पास 2x, एंड dz/dx कितना है, 3x2, ठीक है। तो 1x से ये x कैंसिल होगा और 2y में कितना रह गया, 3x, प्यारे विद्यार्थियों ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो समझ में आई बात, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव का रूल बदले, सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या क्या है सेकेंड पार्ट में, इसने क्या डेरिवेटिव करना है, आपने किसका, √x³+1 और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, क्यूब रूट दे दिया, x² + 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है हमारे पास, हमारे पास है x³+1, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब रूट ऑफ x² + 1, ओके, यही है ना। तो क्या करना है, लेट फर्स्ट फंक्शन को y, और y क्या है हमारे पास, x³+1, एंड सेकंड फंक्शन को क्या, z, और z क्या है हमारे पास, √3 और x² + 1, ठीक। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज क्या होगा, dy/dx, यहाँ कितना हो गया बोलो, 1/√x³+1, एंड डेरिवेटिव ऑफ x³+1 इज 3x², ओके। एंड
डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी जेड वाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर कितनी होगी, 1/3. 1/3 होगा ना. ओके, 1/3 आ गया आगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर 1/3 माइनस वन, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज एस. ओके, क्या हो गया, डी जेड बाई डी एक्स ये तो एज इट इज, 1/3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी एज इट इज. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1/3 माइनस वन, सो एलसीएम लेंगे 3, 1-3 दैट इज, यहाँ हो गया हमारे पास कितना, कुछ गलत लिख दिया गया भाई हमने, नहीं गलत नहीं, माफ़ कीजिएगा, पहले इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर माइनस 2/3, हालांकि नीचे आगे पॉजिटिव ही होगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था. एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, क्या हो गया 2x. ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x ऊपर है और नीचे है 3, और ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर 2/3, यही आ गया ना. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास डी वाई बाई डी जेड इक्वल होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मेरे पास कितना है, 3x स्क्वायर बाई 2 टाइम एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइड डी जेड बाई डी एक्स. ऊपर जाएगा तो प्यारे विद्यार्थियों चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर, ठीक है, और कहाँ जाएगा 2x आ गया नीचे, बस इससे ये कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और प्यारे विद्यार्थियों 3 × 3 कितना हो गया 9, तो ऊपर आ जाएगा 9 टाइम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर 2/3, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 = 4 इंटू एक्स क्यू प्लस 3, और कुछ कैंसिल हो ही नहीं गया, समझ में आ गया ना. ओके, ठीक है, अब करते हैं हम कौन सा इसका पार्ट नंबर 3. ठीक है, तो इसको इरेज ही कर देता हूँ मैं, डेफिनेशन याद हो गई होगी, फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि स्पेस की कमी होती है अदरवाइज. ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका कौन सा भाई, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर कौन सा, 3. ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या का है. इसने कहा है कि हाँ आपने डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है भाई, 1+x और अपॉन में कितना है 1-x, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू 1-x और अपॉन में कितना है 1+x. ठीक, लेट y इज इक्वल टू रूट 1+x अपॉन 1-x. ठीक है ना, देन डेरिवेटिव ऑफ रूट x, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2√x, क्या होगा बोलो, dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2√x, और x कितना है, ये है मेरे पास, इंटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इंटू में डेरिवेटिव रह गया है भैया किसका, 1+x अपॉन 1-x, इसी का रह गया ना. ओके, तो 1/2 टाइम रूट 1+x, ये तो एज इट इज ये चला जाएगा ऊपर, मीन्स यहाँ पे 1-x, और यहाँ पे लगेगा भैया कौन सा, कोशेंट रूल, तो लगा दीजिए 1-x का तो होल स्केयर, और 1-x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1+x इज 1, माइनस सिंबल, 1+x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1-x इज -1. क्लियर, कितना हो गया, ये तो हो गया सर जी हमारे पास रूट 1-x एज इट इज अपॉन 2 टाइम रूट 1+x एज इट इज, यहाँ कितना आ गया बोलो, यहाँ पे आ गया है 1-x, ये -, प्लस प्लस 1 और प्लस x, और डिवाइड में 1-x रेज टू पावर 2, इस x से ये x कैंसिल, 1 और 1 2, और इस 2 से भैया ये 2 भी कैंसिल. ठीक, कितना रह गया बोलो, 1/√ 1+x, हाफ पावर ऊपर है, ऊपर है नीचे 2 पावर है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी पावर रहेगी टोटल, 3/2, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास हाफ पावर है, ये 2 पावर है, 2-1/2 3/2, तो ये तो आ गया dy by dx. अब बारी है किसकी, z की, z किसके बराबर है, जेड बराबर है हमारा 1-x अपॉन 1+x. ठीक है, ओके, द डेरिवेटिव ऑफ डी जेड बाय डी एक्स, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/2√ 1-x अपॉन 1+x, इनटू में डेरिवेटिव किसका रहेगा,
इनटू में डेरिवेटिव रह गया है भैया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। सॉल्व कीजिए, 1/2 रूट कितना 1 माइनस एक्स और ऊपर जाके 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन रूल 1 प्लस एक्स होल स्केयर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इज माइनस 1 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन रूल, तो माइनस बाहर और 1 माइनस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1। और ज़्यादा सॉल्व कीजिए, थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं छोटे लिखूंगा अक्सर। तो रूट कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 टाइम रूट कितना है 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये अलग है भैया। क्या होगा यहाँ से सिंप्लीफाई किया, क्या हो गया माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और डिवाइड में कितना रह गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 2 नीचे 2 है तो ऊपर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। फिर से वही बात, यहाँ पर हाफ पावर है यहाँ पर 2 पावर है, तो माइनस 1 अपॉन कितना रह गया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा हो तो, क्या है डी वाई बाई डी जेड किसके इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड वाई में डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है भाई, ये है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। और जैसे ही डी जेड वाई डी एक्स नीचे लिखूंगा तो ये स्टेटमेंट जाएगी ऊपर, मीन्स 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 ऊपर और डिवाइड में 1। अब ध्यान दें, ऊपर पावर 1 नीचे पावर कितनी है 1.5, ऊपर पावर 3/2 1.5 नीचे 1, तो ऊपर तो रहेगी कितनी 1 प्लस एक्स की, तो पावर रहेगी कितनी भाई 1 रहेगी ना, 3/2 माइनस 1 करेंगे भाई डेढ़ में से आधा घटाएंगे तो 1 रहेगा, ऐसे ही नीचे डेढ़ में से आधा घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 1 माइनस एक्स। प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ले लिया आप स्क्रीनशॉट इसका। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा भाई, स्पेस की कमी है क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई, हम तो जैसे तैसे काम चलता है, बस काम चला लेते हैं, हम शायर हैं, सिकवों को शायरी में बयां कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है हमारे पास कि साइन एक्स स्केयर और विद रिस्पेक्ट टू, क्या है भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर। ओके, तो ध्यान दो, हमारे पास साइन एक्स स्केयर है ना कि पूरे का होल स्केयर, हमारे पास क्या है साइन एक्स स्केयर है ना कि पूरे का होल स्केयर, तो इसलिए क्या करना है लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्केयर एंड जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्केयर एंड जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स स्केयर, ना कि पहले पावर आ जाएगी क्योंकि पूरे का होल स्केयर नहीं थीटे का स्केयर है, इनटू में डेरिवेटिव किसका रहेगा इनटू में डेरिवेटिव रह गया एक्स स्केयर का, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो गया 2x और ये कितना हो गया कोस एक्स स्केयर, यही हो गया ना। ओके, सेकंड फंक्शन जेड है तो डी जेड बाई डी एक्स आ गया कितना 2x, कितना आ गया 2x, निकालना क्या है निकालना है भैया डी वाई बाई डी जेड, फॉर्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड बाई में डी एक्स, तो डी वाई बाई डी जेड कितना है बोलो 2x अपॉन कोस एक्स स्केयर और डी जेड बाई डी एक्स कितना है 2x, इससे ये कैंसिल कितना आ गया ये आ गया कोस एक्स स्केयर और यही हमने क्या निकालना था बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका कौन सा
सेकंड पार्ट क्या कहा है कि भैया आपके पास है टेंजेंट स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट स्केयर और उसका थीटा है भैया एक्स स्केयर. ओके लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर एक्स dy by dx क्या होगा बोलो 2 टाइम टेंजेंट x एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज secant स्केयर x. भाई ये तो सिंपल था समझ में आ गया. लेट z इज इक्वल टू कितना z इज इक्वल टू मान लेना है आपने कितना भाई secant स्केयर x स्केयर secant स्केयर x स्केयर. ओके dz by dx क्या होगा पावर आगे आगी 2 secant x स्केयर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भैया secant x होल स्केयर नहीं सॉरी थीटे का स्केयर क्योंकि बीच में स्केयर था पहले पावर का हो गया तो 2 secant x स्केयर डेरिवेटिव ऑफ secant x और इनटू में टेंजेंट x और इनटू में डेरिवेटिव किसका डी बाई डी एक्स किसका भैया एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x इंटू 2 ये हो गया 4x और ये हो गया secant x स्केयर यहाँ हो गया secant x स्केयर यहाँ हो गया कितना टेंजेंट x स्केयर. ठीक है रख दो फॉर्मूले में. फॉर्मूला क्या है dy by dz किसके इक्वल है dy by dx अपॉन में dz by में dx यही ना है. तो भैया dy by dx तो हमारे पास निकला है कितना 2 टाइम टेंजेंट x और secant स्केयर x और dz by dx ये निकला है हमारे पास कितना 4x secant x स्केयर और secant x स्केयर और secant x स्केयर secant स्केयर x स्केयर और यहाँ कितना टेंजेंट x स्केयर. तो सिर्फ 2 से ये कैंसिल होगा और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि थीटा दोनों का क्या है अलग अलग है. तो प्यारे विद्यार्थी ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा कर लेंगे कौन सा था क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका कौन सा पार्ट नंबर सेकंड. ठीक है ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट नंबर थर्ड. ठीक है कौन सा करेंगे पार्ट नंबर थर्ड. क्या कहा है इसमें इसमें कहा है कि साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स. ठीक है लेट सेम काम वही लेट y इज इक्वल टू साइन स्केयर x एंड z इज इक्वल टू e रेज टू पावर cos x. वाह भाई वाह बारिश बड़ी तेज आ रही है यार क्या बात. डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx क्या होगा 2 साइन x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x इज cos x. यही हो गया यहाँ पर आइए dz by dx डेरिवेटिव e रेज टू पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x. ध्यान देंगे माइनस में नहीं मल्टीप्लाई में निकालना है हमने क्या निकालना है हमने dy by dz फॉर्मूला है हमारे पास dy by dx अपॉन में कितना dz by में dx. तो प्यारे विद्यार्थियों dy by dx है हमारे पास कितना 2 साइन x और cos x डिवाइड में माइनस साइन x को लिख दिया आगे और e रेज टू पावर cos x को साइन से साइन कैंसिल हो गया कितना रह गया 2 टाइम cos x अपॉन 1 माइनस को आगे लिख दें e रेज टू पावर cos x. क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है कर लोगे ना कौन सा था क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका थर्ड पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमने किया था सेकंड चैप्टर उसका क्या है ये रिवीजन है. तो जो भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो इससे पहले वाली वीडियो जितने भी 16-17 लेक्चर हैं डिफरेंशिएशन के वो देख लें और अकॉर्डिंग टू कोर्स हम वीडियो डाल रहे हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमारे 6 लेक्चर हैं वो भी देख लें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलिमेंट्स मैथ में. ठीक है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर. क्या कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दूं कि लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर एंड
जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोनों में ही क्या पुट करना है, टेंजेंट पुट करना है, अलग अलग पुट नहीं करना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम डेरिवेटिव, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा उससे, इसलिए चेंज करना होगा। क्या हो गया ये, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स, और ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का, और कॉस इनवर्स इंटू कोस x इक्वल होता है x, तो ये हो गया 2 थीटा। और y इज इक्वल टू 2 एस डी, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है भैया टेंजेंट इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ के करना है भैया हमने, 2 एस डी टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स के, ये होता है। ओके z वाले में भाई, z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की जगह टेंजेंट, तो 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो भैया हमने प्लस वन क्लास में बहुत बार पढ़ा है ना। तो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सर जी टेंजेंट इनवर्स किसका, टेंजेंट 3 थीटा का। और टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा ये होता है थीटा, और थीटा कितना है, 3 थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी जेड बाय डी एक्स, कितना हो जाएगा, 3 बाय 1 3 एच डी और बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, निकालना क्या है, निकालना है हमने डी वाई बाय में कितना डी जेड, फॉर्मूला है डी वाई बाय डी एक्स, जो कि मेरे पास कितना है 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, जो कि कितना है 3 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बहुत बताया, बहुत बार बात की है ये, कि जो सेकंड टर्म है उसे फोर्थ कैंसिल होगी, कितना आ गया 2 बाय 3। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये फंक्शन दिया है और प्रूफ कीजिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, क्योंकि 2 बाय 3 हमारे पास क्या आई है, कॉन्स्टेंट टर्म आई है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, लो भाई आज तो बारिश इतनी ज़बरदस्त आई है कि सदियों से प्यासी जो हमारी ज़मीन थी वो सारी की सारी अब हरी भरी हो जाएगी। ठीक है ना, और किसान के हौसले को तो पूछिए मत आप, वो कहते हैं ना कि टपकती है जिसकी छत जरा सा पानी आने से, कि टपकती है जिसकी छत जरा सा पानी आने से, फिर भी उस किसान की हिम्मत देखो वो झमाझम बारिश आने की उम्मीद करता है। प्यारे विद्यार्थियों, लाइन बहुत गहरी हैं अगर इनका आप मीनिंग निकालेंगे तो। वाई किसके इक्वल है, थर्ड पार्ट में टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और जेड हमारा इक्वल है, कोमा लगा देता हूँ बीच में, जेड हमारा इक्वल है ओनली किसके, टेंजेंट इनवर्स एक्स के। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है हमारा। ओके, तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, बाहर तो टेंजेंट इनवर्स है भाई, और 1 माइनस कोस एक्स बहुत बार पढ़ रखा है, 2 साइंस केयर एक्स बाय 2 होता है, 1 प्लस कोस एक्स भी 2 कोस केयर एक्स बाय 2 होता है, प्लस 1 क्लास में बहुत बार पढ़ा है एलिमेंट। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस का हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, ये होता है टेंजेंट स्केयर एक्स बाय 2, स्केयर से स्केयर कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2, और टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट एक्स ये इक्वल होता है x, और x की वैल्यू है x बाय 2। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy वाई बाई डी एक्स, कितना हो गया 1 बाय 2। ठीक, यहाँ पे कीजिए डी जेड बाई डी एक्स, कितना हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड किसके इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स।
ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारा 1/2 है, और ये कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फाइनली कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना, आंसर आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और उसका कौन सा पार्ट नंबर थर्ड, क्या क्या है, डायरेक्ट लेट y इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स अपॉन 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लेट किया हमने y तो मान लिया है भैया, तो z किसके इक्वल है, z है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो अब की बार अलग अलग मानना होगा भाई, क्योंकि इसमें x अलग मानना होगा और इसमें x अलग मानना होगा, ठीक, क्या मान लें x को, यहाँ तो मान लेते हैं, इसमें पुट x इज इक्वल टू कितना cos थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्या हो गया y इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हो गया ना, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 क्लास में बहुत बार पढ़ा है, प्लस 2 में भी पढ़ा है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के इक्वल होता है, और 1/cos को ऊपर लेके जाएंगे तो भैया ये हो गया secant, और secant इनवर्स इंटू secant x इक्वल होता है x, और y इज इक्वल टू 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx 2 एज इट इज cos इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, इसका तो काम खत्म हुआ, यहाँ पे आइए लेट कीजिए या पुट कीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स 5 मान लो, चलो कोई नहीं थीटा वहाँ मान लिया था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ओके तो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते जाइए, और z इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 3 साइन 5 माइनस 4 साइन क्यूब 5, ठीक, z इज इक्वल टू ये आ गया साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला है साइन 3 फाई का, और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल होता है थीटा, और z इज इक्वल टू 3 फाई, फाई की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो प्यारे विद्यार्थियों डेरिवेटिव करें z का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dz बाई डी एक्स, क्या होगा 3/1 माइनस एक्स के रूट 1 माइनस x, निकालना क्या है dy बाई डी जेड, फॉर्मूला क्या है dy बाई डी एक्स, बहुत बार लिखवा लिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1/1 माइनस एक्स केयर अपॉन dz बाई डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स केयर तो जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, इससे ये कैंसल, और वैल्यू कितनी आ गई -2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, कौन सा पार्ट था, पार्ट था थर्ड। ओके नज़दीक ही हम, बस 2-3 मिनट की और बात है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने भी पार्ट थे वो सारे के सारे कंप्लीट। ओके तो कौन सा पार्ट करें, अब करते हैं कौन सा पार्ट नंबर फोर्थ, लेट किया और y इज इक्वल टू मान लिया क्या है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन इंटू सॉरी 1 माइनस एक्स के, एंड z इज इक्वल टू कितना मान लिया टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके क्या हो गया, डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेट करेंगे या पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस में कितना भाई साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया ना, माइनस है यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विद अंडर रूट, ये होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो साइन इनवर्स एज इट इज 2 साइन थीटा एज इट इज, ये क्या होता है कोस थीटा, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन x क्या है x, और y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, y एज इट इज 2 एज इट इज सॉरी डेरिवेटिव dy बाय dx 2 एज इट इज साइन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स,
यही हो गया ना। ओके यहाँ पर देखिए भाई, x की जगह सेम साइन ही काम चल जाएगा, तो दोनों में कॉमन लिख देना भाई, आप इसको कन्फ्यूज मत होना। z थोड़ा सिंपलीफाई मैं कर देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स x की जगह कितना, साइन थीटा अपॉन 1 - sin² θ, और z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन थीटा 1 - sin² θ, ये हो गया cos थीटा, और z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कितना हो गया, ये टेंजेंट थीटा, और z इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है भैया साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव डी जेड बाई में डी एक्स साइन इनवर्स का 1 / √1 -। ओके तो क्या निकल गया हमारे पास, निकालना क्या है, निकालना है हमने डी वाई बाई डी जेड। तो क्या है फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स 2 √1 - x² बाय में डी जेड बाई डी एक्स 1 / √1 - x², मैंने बताया था सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो जाता, कितना आ गया 2, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है तो भैया धीरे धीरे कदमों से हम पहुंच गए हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है और आज के लेक्चर में भाई हम इतना ही काम करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 - x² / x, तो ये है, और z इज इक्वल टू, क्योंकि सेकंड को z मानना है, वो कितना है, cos इनवर्स 2x / 1 - x², कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में ही क्या करते हैं, हम साइन पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, साइन नहीं सॉरी कोस पुट कर लेते हैं। तो क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 - cos² θ अपॉन में कोस थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 - cos² θ विद अंडर रूट क्या होता है, साइन थीटा, डिवाइड में कितना है कोस थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये है हमारे पास टेंजेंट थीटा, और y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट x इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स, और कितना हो गया 1 / 1 - x² विद नेगेटिव साइन। ओके जेड जेड इज इक्वल टू, ये कोस है भाई, कोस इनवर्स 2x, x की जगह कितना कोस थीटा, और 1 - cos² θ, ये भी हमने 10th क्लास में बिल्कुल रट लिया था, किसके इक्वल था साइन थीटा, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया कोस इनवर्स 2 cos θ, और ये था हमारे पास साइन थीटा, और z इज इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स, ये है हमारे पास किसका फॉर्मूला साइन 2θ, और साइन को कोस में चेंज करना कौन सी बड़ी बात है, z इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस कितना 2 - 2θ, कोस इनवर्स इंटू कोस x, x की वैल्यू कितनी है 2 - 2θ, और z इज इक्वल टू 2 - 2θ, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया, 2 कॉन्स्टेंट 0 -2hd कोस इनवर्स का 1 / x² विद नेगेटिव साइन, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। निकालना क्या है, निकालना है भैया डी वाई बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला कि डी वाई बाई में डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं सॉरी डी वाई बाई डी जेड, तो -1 / 1 - x² ऊपर दो, और नीचे 2 √1 - x² नीचे दिखाई दे रहा होगा ना, ये पोर्शन लगभग यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 पे कितना रह गया -1 / 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके तो कर लोगे ना, तो लगभग 33 या 35 मिनट्स का ये लेक्चर है, और क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd जितने भी पार्ट थे हमने सारे के सारे सोल्व कर लिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.8 के उनके साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।